यारो मसीह बात की थी इंतजार रह तक ते तक ते जिन की करोड़ों ही मर गए करोड़ सैयदना हज़रत अकदस मसीह माऊद असलातम अपने अब की दिलदारी व दिलजोई में हर अमीर व गरीब का ख़्याल फरमाते थे चुनानचे मुंशी ज़फ़र अहमद साहब रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत मसीह माऊद असलातलम मगरब की नमाज़ के बाद मस्जिद मुबारक कादियान की ऊपर की छत पर चंद मेहमानों के साथ खाना खाने के इंतज़ार में तशरीफ़ फरमाते उस वक्त एक अहमदी दोस्त मियाँ निज़ामुद्दीन साहब साकििन लुधियाना जो बहुत गरीब आदमी थे और उनके कपड़े भी फटे पुराने थे हजूर से चार पांच आदमियों के फ़ासले पर बैठे थे इतने में चंद मोजज़ मेहमान आकर हजूर के करीब बैठते गए और उनकी वजह से हर दफ़ा मियाँ निज़ामुद्दीन को परे हटना पड़ा हती के वो हटते हटते जूतियों की जगह पर पहुंच गए इतने में खाना आया तो हजूर अल्लात ने जो ये सारा नज़ारा देख रहे थे एक सालन का प्याला और कुछ रोटियां हाथ में उठा ली, और मियाँ निज़ामुद्दीन से मुखातिब होकर फरमाया, आओ मियाँ निज़ामुद्दीन हम और आप अंदर बैठ खाना खाएं। ये फरमाकर हुजूर हजूर अल्लात मस्जिद के साथ वाली कोठरी में तशरीफ़ ले गए और हुजूर असलातुअलम ने और मियाँ निज़ामुद्दीन ने कोठरी के अंदर इकट्ठे बैठकर एक ही प्याले में खाना खाया उस वक्त मियाँ निज़ामुद्दीन खुशी से फूले नहीं समाते थे और जो लोग मियाँ निज़ामुद्दीन को अमलन परे धकेल कर हज़रत मसीह मऊदलात असलम के करीब बैठ गए थे वो शर्म से कटे जाते थे